प्रदेश सहित पूरा मारवाड़ भीषण गर्मी की चपेट में है। पिछले 10 दिनों से लगातार पारा चढ़ता जा रहा है। 5 दिनों से पारा 45 डिग्री से पार चल रहा है। शुक्रवार को 47.6 डिग्री को पार कर गया। इधर शनिवार से 9 तपा लगने से 9 दिन तक सूर्य देव और रौद्र रूप दिखा सकते हैं। भीषण गर्मी ने आम आदमी के साथ पशु पक्षियों को झकझोर कर रख दिया है। दिन तो दिन रात में भी चैन नसीब नहीं हो रहा है। शनिवार को सूर्यदेव का चंद्र के नक्षत्र रोहिणी में प्रवेश होने के साथ 9 तपा लग गया है। ऐसे में अब सूर्य की किरणें सीधी तौर पर धरती से टकराएगी, जिससे गर्मी का प्रकोप बने के प्रबल आसार बने हैं। मौसम विभाग ने आगामी 4-5 दिनों तक गर्मी के तेवर इसी तरह बने रहने की चेतावनी जाहिर की है। भीषण गर्मी के बीच हीट स्ट्रोक के मरीज भी बढ़ गए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित काफी लोग रोजाना पहुंच रहे हैं। तीनों में मुख्य चिकित्सालयों में हालांकि गर्मी से निपटने के जतन युद्ध स्तर पर है, मगर वे भी बेपत्री साबित हो रहे हैं। अस्पतालों में पंखे कूलर तक खराब होने से मरीजों को बेजा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी को देखते हुए संभागीय आयुक्त बीएल नेहरा ने बताया कि जोधपुर फलोदी जैसलमेर बालोतरा में पारा 48 पार चल रहा है। फलोदी में पारा 49 डिग्री हो गया है। जैसलमेर बाड़मेर में भी 48 हो रखा है। संभाग के जिला अस्पतालों में सारी सुविधाएं कर रखी है, दवाइयों की भी व्यवस्था कर रखी है। संभागीय आयुक्त ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में छाया पानी की व्यवस्था की गई है, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत के माध्यम से पानी छाया की व्यवस्था की गई है। बालोतरा के नाहटा अस्पताल में भी 10 बेड की व्यवस्था की गई है। सुबह के समय में काम करने वाले श्रमिक 10:30 बजे तक काम खत्म कर जा सकते हैं। उनके द्वारा जिला अस्पतालों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं जांची गई है। इधर भीषण गर्मी को देखते हुए रेलवे अस्पताल अलर्ट मोड पर है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर DRM पंकज कुमार सिंह ने बताया कि भीषण गर्मी के साथ ही की आशंका के मद्देनजर रेलवे अस्पताल में रेल कर्मचारियों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। तापमापी के निरंतर चढ़ते पारे को देखते हुए रेलवे अस्पताल में गर्मी अथवा हीट वेव के आने वाले रोगियों के विभिन्न AC वार्डों में कुल 16 बेड रिजर्व रखने, ऐसे रोगियों के उपचार में काम आने वाली आवश्यक दवाओं की उपलब्धता के साथ साथ आवश्यक जांच उपकरणों की क्रियाशीलता व आपातकालीन सेवाओं को भी अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए गए हैं। हिंदू राष्ट्रवाद के प्रबल उद्घोषक और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉन प्रवीण भाई तोगडिया आज दोपहर में जोधपुर पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों हिंदू परिवारों से मुलाकात करने, उनकी कुशल क्षेम जानने और संगठन स्तर पर उनकी समस्याओं का निराकरण करने के अभियान के साथ साथ संगठन के कार्यकर्ताओं से मिलकर संगठन की गतिविधियां जानने के उद्देश्य से 23 से 30 मई तक राजस्थान दौरे पर हैं। डॉन प्रवीण भाई तोगडिया ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल संपूर्ण देश में हनुमान चालीसा को केंद्र बनाकर संगठन और हिंदू जागरण की गतिविधियां बढ़ा रहा है। हमारा संकल्प है कि देश के सभी शहरों व गांवों की गलियों में प्रत्येक सप्ताह मंगलवार व शनिवार को लोगों को एकत्रित कर हनुमान चालीसा करवाएं। अब तक 13,000 हनुमान चालीसा के साथ एक वर्ष में 1,00,000 हनुमान चालीसा करवाने का प्रयास कर रहे हैं। हनुमान चालीसा के माध्यम से गरीब हिंदुओं को मुफ्त में अनाज, जरूरतमंद को निजी डॉक्टर व वकील द्वारा परामर्श, रोग मुक्त रखने के लिए प्रशिक्षण, रोजगार में सहयोग आदि समाज सेवा का व्यापक कार्य किया जा रहा है। सरकारी कारिंदे कितना काम करते हैं और कितना नहीं, यह आम पब्लिक से छुपा नहीं है। काम भले पूरा नहीं हो, मगर कार्य पूर्ण करने की बात सरकारी महकमा जरूर कर देता है। ऐसा ही एक मामला है। जोधपुर केंद्रीय कारागार के मुख्य द्वारा से लेकर रेलवे स्टेशन गेट संख्या 2 तक बनने वाली सड़क का, इस सड़क के लिए गत सरकार ने 80,00,000 रुपयों का अनुमोदन किया था, मगर आज तक सड़क का काम पूरा नहीं हुआ और जगह जगह से टूटी है। सड़क पूरी करने या होने की बात को लेकर कोई सरकारी महकमा संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा है। JNU के एक छात्र विष्णु का कहना है कि केंद्रीय कारागार के मुख्य गेट से लेकर रेलवे स्टेशन गेट संख्या 2 तक के लिए सड़क का निर्माण गत सरकार द्वारा जारी बजट में किया जाना था। इसकी लागत 80,00,000 रुपए आना बताया गया है, जो कि नवंबर 23 तक कार्य पूर्ण होने की अवधि थी, मगर आज तक ये सड़क नहीं बनी है। यहाँ तक सड़क टूटी फूटी हालत में है और कई बार दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। पूर्व CMHO भी इस पर घायल हो चुके हैं। शहर के अंदरूनी क्षेत्र तुर्जी का झालरा में आज दिन में एक किशोर की पानी में डूबने से मौत हो गई।
गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला जा सका। जानकारी के अनुसार पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि एक व्यक्ति तुर्जी का झालरा जोधपुर में डूब गया है, जिस पर एडीएम थर्ड सुनीता पंकज के निर्देशानुसार डीक्यूआरटी टीम सदस्य लेखराज वर्मा, धर्मदास वैष्णव, हरिराम जाटे, ललित कुमारे, मोहम्मद आरिफे, राकेश चौधरी, शुभम खींचे, कैलाश मेघवाल एवं ड्राइवर अनीश खान को मौके पर पहुंचे। एक घंटे की मशक्कत के बाद एक किशोर के शव को पानी से बाहर निकाला गया। उसकी आरंभिक तौर पर पहचान सद्दाम के रूप में हुई है। इस बारे में सदर कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई है। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।